हे गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड फाइनली आ चुकी एक और न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियो के साथ। तो गाइज, जैसे कि मैंने आप सभी से प्रॉमिस किया था हमारी पहले वाली वीडियो में, जो कि मैंने न्यू स्टेट की डाली थी, कि मैं आपको इसकी टॉप 5 ऐसी बेसिक सेटिंग्स दिखाने वाला हूँ जिससे कि आपको भाई गेम खेलने में थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। जितने भी लोग अभी न्यू स्टेट खेलने वाले हैं या फिर खेल रहे हैं ना, तो उनके लिए भाई बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल वीडियो होने वाली है। तो ऐसे मैं यहाँ पे टॉप 5 बेसिक सेटिंग्स में तुम्हें बताने वाला हूँ जिससे कि तुम्हारे गेम में हेल्प होने वाली है और तुम इजीली भाई वहाँ पे जो है प्रैक्टिस कर पाओगे। तो गाइस देखो, वीडियो की स्टार्टिंग में बता देता हूँ, जैसे ही तुम सेटिंग्स खोलते हो ना, तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन तुम्हें दिखने को मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे करना कुछ नहीं है, सारे जो ऑप्शन दिख रहे हैं ना उनको तुम्हें एनेबल कर देना, सारी चीज़ें यहाँ पे अच्छी रहने वाली है। डिसेबल कुछ भी नहीं करके रखना ज़्यादा से ज़्यादा, बस ये जो ब्लॉक साइट वार्निंग है ना, ये डिसेबल तुम कर सकते हो। बाकी जितने भी ऑप्शन तुम्हें दिखाई दे रहे हैं वो तुम जो है यहाँ पे टर्न ऑन रख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ओके यार गाइस, तो बाकी अभी हम बात कर लेते हैं पीक सिस्टम की। तो यहाँ पे देखो पीकिंग है ना भाई, देखो नॉर्मली हमारी जो BGMI पबजी मोबाइल है उसी की तरह रहने वाला है, लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन हमें ज़्यादा मिल जाता है जिसका नाम है स्वाइप। तो ये पीक वाले ऑप्शंस में आपको देखने को मिल जाएगा कंट्रोल्स में, सेटिंग्स में जाके। तो यहाँ पे मैंने स्वाइप सेलेक्ट कर लिया है, तो दिखा देता हूँ कि कैसे काम करता है ये। तो यहाँ पे मैंने स्वाइप सेलेक्ट कर लिया है, तो यहाँ पे देखो कि पीक का सिर्फ एक ही बटन मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे ही भाई मैं उस पर राइट एंड लेफ्ट स्वाइप करता हूँ ना, तो यहाँ पे मेरा पीक जो है काम करने लग जाता है। तो तुम समझ ही गए होंगे कि कैसे काम करने वाला है। तुम्हें लेफ्ट की पीक करनी है तो इसको लेफ्ट साइड में तुम्हें स्वाइप करना है, अगर राइट की पीक यूज करनी है तो तुम्हें इसको राइट साइड में स्वाइप करना पड़ेगा। लेकिन यार गाइस, अगर तुम ये वाला ऑप्शन यूज करते हो ना, तो यहाँ पे तुम्हें एक्स्ट्रा व्यू देखने को मिल जाता है। तुम जैसे किसी भी साइड स्वाइप करोगे ना, तो तुम्हारा पीक तो काम कर जाएगा, लेकिन जैसे तुम थोड़ा सा और ज्यादा उसको स्वाइप करते हो उसी साइड पे जिसका तुमने पीक खोला है, तो गाइस वहां पे तुम्हें थोड़ा सा एक्स्ट्रा व्यू देखने को मिलने वाला है, जैसा कि तुम देख ही सकते हो। तो तुम्हें बंदे है ना भाई, देखो कभी कभी होता है ना खिड़की वगैरह पीक ले लेते हो, विंडो वगैरह पे, तो वहां पे हम थोड़ा सा पीक करके देखने का कोशिश करते हैं, तो वहां पे ये चीज काम आ सकती है। ओके यार गाइस, तो बात करें अगर नेक्स्ट सेटिंग की, तो यहाँ पे रोल की बात करने वाले हैं। तो रोल पे भाई देखो तुम्हें जो है नन करना है, अगर तुम इसे अनेबल करते हो तो जैसे ही तुम क्राउच पे भाई डबल टैप करते हो ना, वहाँ पे तुम्हारा बंदा रोल करने लगेगा, जैसा कि मेरा बंदा यहाँ पे कर रहा है अभी। जैसे देखो मैं टैप करता हूँ, यहाँ पे डबल बार टैप किया, तो ऐसे रोल करने लगेगा तुम्हारा बंदा। और काफ़ी ज़्यादा लोगों को तो ये ठीक लग रहा होगा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसे भी होंगे जिससे कि मुझे भाई ये पर्सनली अच्छा नहीं लगता है, तो मैं इसे ऑफ करके यहाँ पे रखना पसंद करता हूँ। तो गाइस देखो, नेक्स्ट जो सेटिंग है ना, उसको बताने से पहले यहाँ पे छोटी मोटी ऐसी सेटिंग्स है जो तुम्हें पहले से पता होंगी, तो तुम्हें जस्ट खोल के देखना है गेम को एक बार, क्योंकि BGMI से जो है ना बहुत ज़्यादा सिमिलर है यहाँ पे सेटिंग्स। बाकी छोटी मोटी चीज़ें जो है वो मैं बताने वाला नहीं है, वो तुम खुद भी देख सकते हो, उनके आगे क्वेश्चन मार्क का आइकन बना हुआ है, तो वहाँ पे तुम पढ़ भी सकते हो उसको क्लिक करके। लेकिन यहाँ पे जो मेन सेटिंग्स है ना, जो कि तुम्हारे गेम को बहुत ज़्यादा इंप्रूव या बेकार कर सकती हैं, सिर्फ और सिर्फ मैं वही सेटिंग्स बताने वाला। तो अभी देखो जो नेक्स्ट सेटिंग है ना, जिसने बहुत लोगों का दिमाग खराब किया होगा, वो ये चीज़ है। जैसे ही तुम स्कोप का बटन दबाते हो, हमारा जो शोल्डर वाला जो बटन है ना वो एक्टिवेट हो जाता है, शोल्डर वाला फीचर। तो ऐसे में तुम ADS है ना भाई यूज नहीं कर पाते हो अच्छे से, तो इसको तुम्हें क्या करना है, तो सिंपली भाई देखो तुम्हें इसे ऑफ कर देना है, जैसा कि मैं करने वाला हूँ। सेटिंग्स में जाके तुम्हें कंट्रोल्स में आ जाना, और यहाँ पे तुम्हें ये शोल्डर वाला ऑप्शन है ना दिख जाएगा, तो इसको कंबाइन बटन से हटा के तुम्हें सेपरेट बटन पे कर देना है। तो इससे जो तुम्हारा स्कोप वाला बटन है ना नॉर्मली काम करेगा, और तुम्हारे जो अगर शोल्डर वाली जो फीचर तुम्हें यूज करना है, तो उसके लिए तुम्हें एक एक्स्ट्रा बटन मिल जाएगा जिसे तुम कहीं पे भी प्लेस करके इस फीचर को यूज कर सकते हो। ओके यार गाइस, तो नेक्स्ट सेटिंग की अगर बात करें, तो वही कंट्रोल्स में तुम्हें मिलने वाला है। तो ड्रैग कंट्रोल्स करके ये सारी जो सेटिंग्स है ना, तीन के तीन, वो तुम्हें ऑफ कर देनी है। अगर तुम ऑन रखते हो तो देखो यही चीज होने वाली है, जैसे तुम स्कोप वाले बटन पे थोड़ा सा ड्रैग करोगे ना, तो वहां पे तुम्हारा एम बिगड़ जाएगा, या फिर तुम पीक वाले बटन पे सेम चीज करते हो तो वहां पे भी तुम्हारा एम बिगड़ जाएगा। तो ऐसे में ये बटन पे तुम स्वाइप करोगे ना, तो तुम्हारा एम हिलता रहेगा वहां पे। तो ऐसे में ड्रैग कंट्रोल्स में जितने भी तुम्हें तीन ऑप्शन दिख रहे ना, इन सबको तुम्हें ऑफ कर देना है। तो गाइस यहाँ पे ये वाला जो फीचर है ना भाई, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया न्यू स्टेट में। तो यहाँ पे एम असिस्ट है ना भाई, उसमें हम तीन अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस कर सकते हैं। सपोज करो तुम्हें एम असिस्ट है ना अपना हिप फायर में ऑफ करना है, तो वो तुम यहाँ पे कर सकते हो, लेकिन तुम्हारा ADS में जो एम असिस्ट है ना वो भाई नॉर्मली काम करते रहेगा, जो हमारे BGMI में नहीं है। भाई देखो कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारा हिप फायर अच्छा नहीं होता है, वैसे में हिप फायर को अच्छा करने के लिए हम TDM वगैरह के लिए प्रैक्टिस के लिए जो है एम असिस्ट ऑफ करते हैं। लेकिन ऐसे में होता क्या है कि एम असिस्ट तो हमने ऑफ कर दिया, लेकिन जब भी हम क्लासिक या कस्टम खेलते हैं तो वहाँ पे हमारे स्प्रेज में भी एम असिस्ट ऑफ रहेगा, स्नाइपिंग करेंगे तो वहां पे भी एम असिस्ट ऑफ रहेगा। तो गाइस इस फीचर की मदद से तुम जो है स्पेसिफिकली हिप फायर का जो एम असिस्ट ना वो ऑफ कर सकते हो, तो जब भी तुम हिप फायर मारोगे ना तो वहां पे एम असिस्ट काम नहीं करेगा, लेकिन जैसे तुम स्कोप खोल के फाइट लेते हो या फिर स्नाइप करते हो या फिर स्प्रेज मारते हो, तो वहां पे तुम्हारा एम असिस्ट जो है नॉर्मली काम करने वाला है। तो
गाइस बात करें अगर हमारी लास्ट सेटिंग की, तो यहाँ पे ये रहने वाली है सिंगल बर्स्ट मोड ऑटो फायर। तो इसमें होगा क्या वो मैं आपको बता देता हूँ। तो कभी कभी होता है ना कि हम DMR वगैरह चला रहे होते हैं, तो वहाँ पे हमें टैप टैप मारने के लिए जो है बार बार हमारे जो टैप वाला बटन है ना उसको सिंगल सिंगल पे मारना पड़ता है। लेकिन इस फीचर की मदद से जैसे ही तुम अपनी गन को सिंगल मोड पे डालते हो या फिर कोई भी DMR तुम चलाते हो, वहाँ पे तुम्हें करना कुछ नहीं है, बार बार तुम्हें जो है टैप टैप नहीं करना पड़ेगा। जैसे तुम नॉर्मली अपना फायर बटन प्रेस करके रखते हो ना फायर करते टाइम, वैसे ही तुम्हें रखना है और गन ऑटोमेटिकली भाई देखो ये टैप टैप मोड पे चली जाती है। तो यहाँ पे थोड़ी सी स्पीड्स की कम रहती है, लेकिन जो है भाई अच्छे से काम ये करता है फीचर। तो मैं तुम्हें एक बार करके दिखा देता हूँ कि ये फीचर काम कैसे करता है। तो सपोज करो तुम्हारे पास कोई AR गन है, AKM या फिर M4, जो भी तुम गन यूज कर रहे हो, और उसमें तुमने 10x लगा रखा है, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि न्यू स्टेट में तुम 10x भाई AKM या फिर M4 के ऊपर भी लगा सकते हो। तो वहां पे तुम्हें करना कुछ नहीं है, नॉर्मली प्रेस करके रखो सिंगल पे डालने के बाद, और तुम्हारी गन ऐसे चलने लग जाएगी और टैप टैप वाला फीचर ऑन हो जाएगा। तो ऐसे में ये काफी ज्यादा सही काम करता है फीचर। थोड़ी सी स्पीड कम रहती है जैसे कि मैंने बोला, लेकिन अच्छे से काम करता है। तो या गाइस यार यहीं तक थी आज की वीडियो, अगर पसंद आई तो लाइक कर देना। और न्यू स्टेट का कंटेंट थोड़ा सा आने वाला है और भी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये पसंद आ रहा है गेम, तो भाई ऑब्वियसली मुझे वीडियो तो बनानी है। बाकी BGMI का कंटेंट भी आता रहेगा, एंड होपफुली भाई अब तो अनबैन भी हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं। बाकी अभी जस्ट वेट कर रहा हूँ मैं भी, बाकी BGMI की वीडियो कल आने वाली है एक, तो उसको भी ज़रूर से देख लेना, टिप्स एंड ट्रिक्स वाली होगी। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू गाइस, कीप ग्राइंडिंग।